हाय फ्रेंड्स, मैं अमित भारद्वाज एग्जैक्ट हाउसिंग से। आज हम खड़े हैं सेक्टर 123 में, और जिस लोकेशन पे अभी मैं खड़ा हूँ अगर उसकी मैं बात करूँ तो जो हमारी 200 फुट की एयरपोर्ट रोड है उससे हार्डली 100 मीटर अंदर है। और आज हम जो आपको विला दिखाने लेके आए हैं वो है अफोर्डेबल सेगमेंट में, 107 गज का विला है, 3 BHK विला, 2 BHK उसके ग्राउंड फ्लोर पर हैं और 1 रूम जो है वो उसके फर्स्ट फ्लोर पे है। अगर हम एंट्री की बात करें तो ये एंट्री है, और आप रोड देखो, अराउंड 40 फुट वाइड रोड है यहाँ पे, और ये है हमारा विला। दिख गया? अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री के साथ ही आपको ये पोर्च एरिया मिल जाता है, जहाँ पे आप एक छोटी गाड़ी आराम से यहाँ पे अपने घर के अंदर ही खड़ी कर सकते हो। स्विफ्ट तक की गाड़ी तो यहाँ पे अंदर ही आ जाएगी। साथ में ही एंट्री में आपको वाटर कनेक्शन मिल रहा है, और एक ये छोटा सा पार्क जिसमें आप अगर आपको गमले रखने का शौक है और आपके पास गमले नहीं हैं तो वो ये जगह आपको अच्छे से सेटिस्फेक्शन देगी। यहाँ पे आप धनिया बो सकते हो। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि जैसा आपको ये विला दिख रहा है आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ मिलेगी, सेम ब्रांडिंग, सेम चीज़ें, सब कुछ सेम लुक, सब सेम होने वाला है। तो आप ये जो देख रहे हो सारा आपको ऐसे सेम ही मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको मिल जाती हैं स्टेयर्स, जो आपका जो ऊपर वाला वन रूम है उसके लिए एक्सेसिबल है, यहाँ से एक्सेसिबल है वो रूम। और ये आगे है हमारी एंट्री। एंट्री के साथ ही आपको मिल जाता है लिविंग रूम। यहाँ ये हमारा लिविंग रूम है, यहाँ पे आप 6-7 सीटर सोफ़ा आराम से यहाँ पे रख सकते हो। और साथ में आपको लाइट के लिए सोर्स मिल जाता है, जिससे आप अपने जो आपने सामने फूल उगाए होंगे उसका अच्छा व्यू भी मिलेगा। और साथ में ये वेंटिलेशन के लिए दी हुई है जाली वाले पल्ले, आप बाहर शीशे वाला खोलो आपको साफ, मतलब आपको हवा भी मिलेगी, और लिविंग रूम आपका बिना लाइट्स के भी काफ़ी यहाँ पे लाइट आती रहेगी। और आप फॉल सीलिंग देखो, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग है, और इसमें लाइट्स का भी काम किया हुआ है, काफ़ी मिनिमल और रियलिस्टिक सी लग रही है, प्लेन और स्ट्रेट लाइंस में, कुछ ऐसा नहीं है कि झालरदार या फिर घुमावदार बना के, थोड़ा मिनिमल डिज़ाइन रखा हुआ है फॉल सीलिंग में। बात करें लिविंग रूम के साथ में ही, यहाँ पे आपको LED पैनल मिला हुआ है, यहाँ पे आप तकरीबन 40 इंच की LED तो आराम से यहाँ पे लगा सकते हो। उसी के साथ आपको ये एक स्टोरेज के लिए दिया हुआ है, जिसमें आप अपना कोई भी सामान है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है उसको आप रख सकते हो। और यहाँ पे भी है स्टोरेज, काफ़ी दी हुई है, भाई साहब स्टोरेज काफ़ी है, यहाँ पे कुछ नहीं रखना, गंदा लगेगा। लिविंग रूम के साथ ही हमारी आ जाती है किचन, और किचन आप देखो ठीक साइज़ ठीक है किचन का, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है, और बहुत छोटा भी नहीं है, दो बंदे तो नहीं, हाँ एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो बंदे आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं, ओपन किचन टाइप का कंसेप्ट है। साथ में आपको सारी की सारी मॉडुलर किचन टाइप स्टोरेज मिल रही है, और स्टोरेज काफ़ी है। स्टोरेज आप देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
और ये सारा मतलब अगर कंप्लीट स्टोरेज मिला के देखें तो काफ़ी है, आपको बाहर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो आप हाइड्रोलिक के साथ आपको ये वाली कबर्ड मिल रही हैं, सारी आपको मॉडर्न किचन मिल रही हैं हाइड्रोलिक्स रॉयल की फिटिंग्स किचन में। और अगर हम बात करें फॉसेट्स की, ये देख रहे हो आप, कहीं पे भी घुमाओ बर्तन, यहाँ बैठ के धो लो, जिसकी हाइट कितनी है, अगर किसी की लेडीज़ की, मेरी वाइफ की तो नहीं है, मेरी भाई की वाइफ की तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कहीं पे भी इनको मिला सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके कंफर्ट के लिए आपको ऐसे ऐसे फॉसेट्स मिल रही हैं। और अगर ब्रांडिंग की बात करें, जैगवार का ब्रांड है और आपको जैगवार ही मिलेगा, साथ में आपको आरओ की फिटिंग के लिए मिल रहे हैं। ये गीज़र कहाँ गया, वो गीज़र ही होगा वो मेरे ख्याल से, ऊपर आपको गीज़र की फिटिंग भी मिल रही है, ऊपर प्लग रखा हुआ है गीज़र का। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में, ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, और आप एक बार देखो जैसा आपको दिख रहा है ना, सेम वैसा ही मिलेगा, सेम चीज़ें मिलेंगी, जो जो रखी हुई हैं सारी चीज़ें सेम मिलेंगी। बात करें एलईडी पैनल की, तो आप यहाँ पे अपनी एलईडी लगा सकते हो, 39 इंच तक की एलईडी अच्छी लगेगी यहाँ पे लगी हुई, इससे बड़ी के लिए आपको शायद ये हटाना पड़ जाए। और ये है, आप यहाँ पे कोई डेकोरेशन पीस रख सकते हो जिसके ऊपर लाइट चाहिए, उस वो ही अच्छा लगेगा। अगर आपने कोई अवार्ड, आपको कुछ अवार्ड मिला है घर में किसी को, तो आप यहाँ पे रखो, उसके ऊपर हमेशा लाइट पड़ती रहेगी, अच्छा लगेगा। और साथ में आपको मिल रही है कपबोर्ड, कपबोर्ड देखो आप, पूरी सीलिंग लेंथ तक कपबोर्ड मिल रही है, और कपबोर्ड है भी बहुत बड़ी, 1.25 फुट के आसपास इसकी डेप्थ है। और ये वाला तो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो कपड़े टांगने के लिए, वैसे कपबोर्ड बहुत बड़ी है। और नीचे भी आपको स्टोरेज मिल रही है आपके जो छोटे मोटे सामान हैं उसके लिए। तो रूम का साइज़ है 10x12, जो कि एक नॉर्मल रूम साइज़ है, जैसे मैंने आपको बताया 107 गज की कोठी है ये, तो रूम साइज़ 10x12 है यहाँ का। और साथ में अगर हम बात करें, ये है इसका अटैच वॉशरूम, सेम आपको जैगवार की फिटिंग्स मिलने वाली हैं, सीलिंग लेंथ तक टाइल्स हैं। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि बाथरूम में भी फॉल सीलिंग है, और अगर किसी को गर्मी लग रही है तो वो फैन भी लगा सकता है बाथरूम में। वॉश बेसिन और ये जो भी है सारा सेम ऐसा ही मिलने वाला है आपको। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड रूम की तरफ, ये है हमारा सेकंड रूम, ये भी सेम आपको वैसा ही मिलने वाला है जैसा आपको दिख रहा है, सेम आपको यहाँ पे आपके श्रृंगार के लिए एरिया दिया हुआ है, भरो जितना भरना है। नीचे आपको स्टोरेज के लिए दिया हुआ है, सेम यहाँ पे आपको फ्रंट सामने एलईडी पैनल दिया हुआ है, और जैसा हमने पिछले रूम में दिखाया था सेम काफ़ी बड़ी कबर्ड्स हैं यहाँ पर इस रूम में भी, स्लाइडिंग डोर के साथ हैं ताकि आपका एरिया ख़राब ना हो। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड रूम की तरफ, आइए, ये हमारी बालकनी, और बालकनी गोल कर दी है यहाँ से, तो आपका एरिया थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। आपको सेम ग्लास और स्टील की रेलिंग मिलेगी। अब हम चलते हैं हमारे रूम की तरफ, ये है हमारा थर्ड बेडरूम, सेम इसमें भी आपको लाइट के लिए सोर्स दिया हुआ है, और हवा के लिए भी ताकि वेंटिलेशन आपकी बनी रहे। फिटिंग्स सारी है यहाँ पे, एसी की प्रोविज़न है, फॉल सीलिंग है, ये सब सेम ऐसे रहने वाला है। ये एलईडी पैनल है,
यहाँ पे भी, यहाँ पे आप आराम से लगा सकते हो 50 इंच की एलईडी। सेम यहाँ पे भी आपको स्टोरेज के लिए जगह दी हुई है, और यहाँ पे आपकी कपबोर्ड। ये आपके कपबोर्ड है, सेम सीलिंग लेंथ तक है, छोटी है क्योंकि ये वन रूम है इसके लिए, और साथ में ही अटैच्ड है इसका वॉशरूम। यहाँ पे आपको सीलिंग लेंथ तक नहीं दी हुई, अराउंड 8 फीट की लेंथ तक आप हाइट तक आपको टाइल्स दी हुई हैं, और टाइल्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटी टाइल्स हैं। सेम यहाँ पे भी आपको जैगुआर की फिटिंग्स ही मिल रही है, और सेम फॉल सीलिंग मिल रही है आपको, वुडन डोर्स मिल रहे हैं, और आपको मिल रहा है साथ में ये एरिया। ये एक और रूम है, इसको आप रूम चाहते हो रूम की तरह रख सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मेरे को किचन बनानी है तो आप इसको किचन भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। और साथ में आपको मिल रही है धूप सेकने के लिए जगह, और गर्मियों में अपने कपड़े सुखाने के लिए। ये बैक टू बैक विलाज हैं दो, तो ये है हमारी जगह जो कि आप, और ये काफ़ी है, कितनी होगी यार, 1, 2, 3, 4, 20 फुट के आसपास जगह, 20x20 की, तो 400 फुट एरिया है आपका जो कि आपको ओपन मिल रहा है। और ये जो हमने रूम दिखाया थर्ड, इसके ऊपर वाला एरिया भी ओपन है, तो आप इजीली यहाँ पे गर्मियों में कपड़े, सर्दियों में कपड़े सुखा सकते हैं, और गर्मियों में भी कपड़े सुखा सकते हैं, गर्मी में कौन धूप में बैठेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक ट्राई इस विला को, इस विला का एक रिव्यू करने की आपके लिए। और जो बनावट है विला की वो काफ़ी अच्छी है, 107 गज में विला बना हुआ है, और 3 BHK है साथ में, 1 BHK ऊपर है और 2 BHK नीचे है। तो आप अगर आप चाह रहे हो कि रेंट आउट करना है, तो 1 BHK ऊपर वाला आप इजीली रेंट आउट कर सकते हो, क्योंकि स्टेयर्स भी जो है उसकी बाहर से हैं, तो आपकी प्राइवेसी कहीं पे भी हर्ट नहीं होगी। और अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग है 80 लाख, ऑब्वियसली समवट नेगोशिएबल, बट 80 लाख इज़ दी आस्किंग प्राइस। और अगर हम बात करें लोकेशन की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एयरपोर्ट रोड से हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, 100 मीटर ईस्ट फेसिंग हमारे विलाज हैं, 100 मीटर इसका हार्डली डिस्टेंस है, और तक और आपको हार्डली कितना, 100 मीटर है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको एयरपोर्ट रोड की एक्सेस के लिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो एयरपोर्ट रोड से बेटर कनेक्टिविटी आपको कोई नहीं देगा, मल्टी स्टेट्स कनेक्टिविटी आपको एयरपोर्ट रोड से मिल जाती है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। आपके घर के पास आपको कनेक्टिविटी मिल रही है, मार्केट मिल रही है, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, मॉल मिल रहा है, आपको इलांटे जाने की ज़रूरत नहीं है, VR पंजाब जाओ, मूवीज़ देखो, इन्जॉय करो, शॉपिंग करो, कुछ भी करो, सब कुछ आपको आपके घर से सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पे मिल रहा है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती। आप एक बार आके विज़िट ज़रूर करें, यहाँ पे लोग रहने भी लग गए हैं। अगर आप पीछे देखो, मेरे पीछे काफ़ी कपड़े सूख रहे हैं, तो लोग यहाँ पे रहने भी लग गए हैं। तो अगर आप चाह रहे हो अपना घर लेना इसी फाइनेंशियल ईयर में, तो ये रेडी टू मूव विलाज आपके लिए अवेलेबल हैं। यूनिट्स बहुत कम हैं, 8 यूनिट्स हैं सिर्फ अभी बची हुई। तो आपको अगर और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो हमारे ऊपर दिए गए नंबर 9988009910 पर कॉल करके आप और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी मैंने ट्राई तो किया है आपको सारी इन्फॉर्मेशन दें, और हाँ यार, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग पता नहीं सब्सक्राइब ही नहीं करते, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे। अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं पे लैग कर रहा हूँ या फिर कुछ कमी लग रही है वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी बता दें, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको सुधार लूँ। थैंक यू।